स्वागत मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत के शुरुआत से। विपश्यना और श्रीमद् भागवत की कथाओं का कैसे एक दूसरे से तालमेल बैठता है, साधना के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, यह हम देखेंगे। श्रीमद् भागवत शुरू होता है राजा परीक्षित को मिले शाप से। राजा परीक्षित लोभवश जब जरासंध का मुकुट पहन लेते हैं तो वह मुकुट पहनने के कारण उनकी मति थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है। वह शिकार करने के लिए निकलते हैं और एक ऋषि के गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। अपना अपमान हुआ, अपना अहंकार हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ ऐसा समझकर वहीं पर उन ऋषि के पुत्र आते हैं, श्रमिक ऋषि, और वह परीक्षित राजा को शाप दे देते हैं। पहचानते नहीं कि यह राजा है और शाप दे देते हैं कि भाई तुम्हारी सातवें दिन मृत्यु हो गई। अब इसमें बात यह आती है कि हर जीव परीक्षित है और हर जीव की मृत्यु सप्ताह के 7 दिनों में से एक दिन होने ही वाली है, अवश्यंभावी है, वह चूकने वाली नहीं है। तो इस प्रकार, और देखिए ना मित्रों, दुनिया में जितने भी धर्म हो या संस्कृतियां हो, सब में 7 दिनों का सप्ताह है। कितनी कमाल की बात है। संडे को हम रविवार कहते हैं, कहीं पर एतवार कहते हैं, तो इस प्रकार सब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें होता यह है, राजा परीक्षित उस शाप वाणी सुनकर घबरा जाते हैं, उन्हें पसीना हो जाता है, आज यूं कहिए उनका बीपी बढ़ जाता है या लो होता है, वे डिप्रेशन में आ जाते हैं, इस प्रकार समझिए। तो उसके बाद वे सोचते हैं कि इसका परिहार कैसे हो, इससे मैं बाहर कैसे आऊं, सातवें दिन मेरी मृत्यु है या सप्ताह में मेरी मृत्यु है, तो इसके मैं बाहर कैसे आऊं। जीव सबसे ज़्यादा घबराता है मृत्यु से, सबसे ज़्यादा घबराता है वृद्धापकाल से, और सबसे ज़्यादा घबराता है बीमारियों से। पर जीवन जगत की भगवान बुद्ध ने बताई वैसे यह सच्चाइयाँ हैं। इन्हें किसी भी जीव को इससे बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बुढ़ापा आना है, बीमारी आनी है, मृत्यु भी आनी है। हाँ, मृत्यु अकस्मात कभी भी आ सकती है, बुढ़ापा आए बगैर भी आ सकती है, कभी बीमार हुए बगैर भी आ सकती है, पर मृत्यु तो आनी ही है। तो इससे वह मुक्ति चाहते हैं और वे चाहते हैं कि मैं इस शाप से बाहर कैसे आऊँ। तो उस वक्त सुखदेव मुनि भागवत कथा उन्हें सुनाते हैं और वे मृत्यु के डर से बाहर आ जाते हैं। जो भी उन पर विकार छाया है, डिप्रेशन का, बीपी लो या हाई बीपी का, उस सब से वह मृत्यु का, भागवत कथा ही ऐसी है कि मृत्यु का साक्षात्कार बार बार करके वे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, जीव हूँ, तो मृत्यु मुझे आनी ही है, और वह है, और स्वयं को देख लेते हैं, स्वयं को अनुभव कर लेते हैं, तो वे उससे बाहर आ जाते हैं। और राजा परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डस लेता है और जो होना है वो आपको मालूम है होता है। उसके बाद ये होता है, राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, ये कैसे कथाएं चलती है। वहाँ ऋषि तो साधना में बैठे हैं, उन्हें अपमान मान अपमान कुछ भी पता नहीं है, समाधि में है, पर उनका पुत्र जो देखता है कि इनका अपमान हो गया है, कौन मेरे श्रेष्ठ पिताश्री का अपमान कर सकता है, और वो शाप दे देता है। कैसे घृणा, तिरस्कार, द्वेष या बदले की भावना से कैसे जन्म पर जन्म, और बदले से कैसे विकार पर विकार, और कैसे घटनाएं पर घटनाएं घटती जाती है, देखिए। उसके बाद जब वो जन्मेजय बहुत ही पराक्रमी जीव है, पराक्रमी पुत्र है, तो उसे पता लगता है मेरे पिता की मृत्यु तक्षक के डसने के कारण हुई। तो वो कहता है कि मैं सर्प यज्ञ करूँगा, और सर्प यज्ञ में तक्षक ही नहीं, दुनिया के हर सर्प को भस्मीभूत कर दूँगा, स्वाहा कर दूँगा।
इस विचार से वह सर्पयज्ञ का आयोजन करता है। देखो बदले का कैसा चक्र शुरू है, कहाँ से कहाँ, किधर से किधर जा रहा है। तो विपश्य साधक या साधना में जो साधक पक रहा है, साधना में साधक जो प्रगति कर रहा है, उसे इससे क्या बोध लेना चाहिए। भागवत की कथाएं हमें बोध देती है, लेकिन यह कैसा है, भक्ति मार्गी को अलग बोध देगी, ज्ञान मार्गी को अलग बोध देगी, योग मार्गी को अलग बोध देगी। हाँ, अपनी साधना के पहुंचने से, मुकाम से हम उनके अलग अलग अर्थ जानते हैं, हमारे ज्ञान के, हमारे मूल प्रवृत्ति के अनुसार उनके अलग अलग अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। तो जब विपश्य साधक या साधना मार्गी साधक, तपाचरणी साधक जब देखता है इन घटना को, तो कैसे देखता है, वहाँ देखता है कि जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहा है, और आखिरी में तो यहाँ तक हो जाता है सब सर्प स्वाहा हो रहे हैं, और वो कहता है तक्षक कहाँ जाके बैठा है, इंद्र के सिंहासन के नीचे बचने के लिए। ये इंद्र क्या है, ये तक्षक क्या है? तो तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठा है, तो जन्मेजय क्या करता है, तक्षकाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्र के साथ तक्षक का मैं स्वाहाकार कर दूंगा, यज्ञ में भस्मीभूत उन्हें कर दूंगा, उनको नामशेष कर दूंगा। मित्रों अब देखिए साधक कैसे देख रहा है। तो यह सर्प काल रूप बताया गया है। सर्प का हम समझते हैं कि सर्प एक काल है, काल यानी कि मृत्यु का कारण है। सर्प एक विकार भी है, सर्प में विष है, विष ये विकारों का विष होता है। तो ये विकारों का विष ही मनुष्य को डसता है, और इन विकारों के वशीभूत होकर ही एक दिन मनुष्य की मृत्यु होती है। मनुष्य अगर विकारभूत नहीं है तो वह डर मुक्त, भय मुक्त है, और भय मुक्त मनुष्य, अभय मनुष्य जो है वह अमृत का भागीदार होता है, वह त्रिकालाबंधित होता है, वो सत्य का अनुसंधान करने वाला होता है, उसे भय नहीं है तो मृत्यु नहीं है, मृत्यु ही भय है, इस प्रकार भी कहा गया। तो यह काल रूपी सर्प जो है वह विकारों का प्रतीक है। तो राजा परीक्षित को लोभ का विकार जड़ गया, तो उस लोभ में, उस मुकुट धारण करने में, सोने के मुकुट धारण करने में, तो उस लोभ में जरासंध के मुकुट ने उसकी मति फिरा दी। तो इसी प्रकार जन्मेजय जो है देखता है कि हर जो भी विकार, छोटा बड़ा, एक अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध ने शरीर और मन के विकारों के बारे में बताया है कि वृत्तियां, मन की वृत्तियां उन्होंने बताया कि 121 वृत्तियां हैं और 52 वृत्ति है, और वृत्तियां 121 है। तो इस प्रकार अनेक है। अब जैसे हम लेते हैं राग या द्वेष, तो द्वेष में कहाँ है, क्रोध है, घृणा है, और फिर मत्सर है, हिंसा है, और अनेक है। तो राग में भी क्या है, प्रेम है, वासना है, वात्सल्य है, इसमें भी अनेक लोभ है, इस प्रकार। तो यह इस प्रकार की छोटी छोटी वृत्तियों को, छोटे छोटे विकारों को वह हवन करता है अपने तप से, अपने सत्याचरण से, अपनी दया से, दान से और तपाचरण से। वह जन्मेजय होम करता है, यानी कि क्या, उनको नामशेष करता है, उन्हें भस्मीभूत करता है, उनको देखकर साक्षी भाव से उनसे मुक्त होता है, यही तो वह करना है। तो इस प्रकार वह करते करते एकादी बड़ी वृत्ति होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एकादी बड़ी वृत्ति हो सकती है, जिसे, जैसे हमारी पांचों इंद्रियां हैं, कोई रस का भोगी ज़्यादा होता है, कोई स्वर का भोगी ज़्यादा होता है, कोई दर्शन का भोगी ज़्यादा होता है, कोई स्पर्श का भोगी ज़्यादा होता है, कोई काम वासना का होता है, कोई क्रोध का होता है, यानी कि होती है मनुष्य में। तो उन सबसे बड़ी वृत्ति जो है तक्षक रूप में है, समझिए, उस प्रकार के बड़े विकार को वो लाने के लिए, वह बड़ा विकार कहाँ जाके छुपेगा, मन, इंद्र सभी इंद्रियों का राजा कौन है, मन है, इंद्र है। तो उस सबसे बड़ी वृत्ति ही जो है, सबसे बड़े हमारे राजा इंद्र या मन को प्रभावित करे हुए और उसके साथ बैठी है, तो वह दोनों को मिलकर स्वाहा कर देगा। तो इस प्रकार जब स्वाहा हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएंगे, विकार नष्ट हो जाएंगे, आप भयमुक्त हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे, आपको अमृत्व मिलेगा, आपको अमृत मिलेगा। इस प्रकार विपश्य साधक भी जब बैठता है साधना में, तो एक एक विकार को, विकार कैसे नष्ट होते हैं, जब विकार को हम साक्षी भाव से देखते हैं, जब हम स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं, उस विकार द्वारा हम नाचते नहीं हैं। सभी नचावट, राम गुसाई, ऐसा
तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन नाच ही नर मरकट की नाई ऐसा कहते हैं। तो यह विकार जो है मनुष्य को मरकट के जैसे नचाते हैं, तो ये मरकट के जैसे न नाचे। तो यह जब साक्षी भाव से हम इन्हें देखते हैं इनकी ताकत क्षीण होते जाती है, जैसा हम इनसे लड़ाई करते हैं या ये बोले वैसा करने लग जाते हैं, तो जितने जितने बार हम भोग भोगेंगे उतना उतना वो भोग हमें भोगता नहीं है, भोग हमें भोग लग जाता है और हम फिर उस भोग को और आहुतियां देने लग जाते हैं, उसके पूरे वश में चले जाते हैं। इसलिए साधक जो है साक्षी भाव से देखता देखता एक एक विकार नष्ट करते जाता है और इस प्रकार वह भयमुक्त हो जाता है। और यह मैंने आपको जन्मेजय और परीक्षित की कथा भागवत जी से सुनाई।